नमस्ते भाइयों, आई होप यू ट्रेन आर्ट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। पिछली बार मैंने 140 के एक रैप मारे थे, पर मेरे को लगा था कि मैं 145 केजी मार लूँगा आराम से। तो ट्राई करते हैं, इस बार 150 करने की ट्राई करेंगे। लगा तो ठीक है, बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। डेडलिफ्ट से पहले अच्छे से अपने आप को वार्म अप कर लो, ताकि आपके इंजरी के चांस कम हो जाए। पहला सेट वार्म अप रखना। अब इस सेट से हमारा वर्किंग सेट स्टार्ट होगा। अगर आप पीआर हिट कर रहे हो तो पांच पांच तीन तीन रैप मार के आगे बढ़ो। एनर्जी वेस्ट मत करो। अपने जो फाइनल सेट होगा जिसमें आप पीआर चेक करोगे, उस सेट तक के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखो। तो अगर आप पीआर मार रहे हो तो अपनी एनर्जी सेव करते हुए चलो। अगर किसी का जिम पार्टनर नहीं है मेरी तरह, वो भी अकेले डेडलिफ्ट करता है, तो उसे महसूस हो रहा होगा मेरे दर्द का। कितनी थकान महसूस होती है, पहले वेट लगाओ फिर वेट को रिरैक करो, बहुत ही दर्द होता है। जिम के गानों से तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए यूज़ करता है हेडफोन। अपने गाने चलेंगे। इस सेट में मैं उठाने वाला हूँ 110 केजी। 110 के मैं 3 रैप मार के आगे बढ़ूँगा। मैं अपनी एनर्जी सेव करते हुए चल रहा हूँ, ताकि मैं लास्ट सेट में 145 पीआर हिट कर सकूँ। इस सेट में मैं 120 उठाने वाला हूँ। इसके भी मैं 2-3 रैप ही मारूंगा। कोई अगर ये वाली बेल्ट यूज़ करता होगा तो उसे बताओगा कि इसे बांधने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इसे खोलने में दिक्कत होती है। बहुत टाइट हो जाती है खोलते समय। अब मैं इस सेट में 130 उठाने वाला हूँ। इस सेट से पता चलेगा कि मैं 145 उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा। सीधी सी बात है भाई, अगर ये मेरे से आराम से उठ गया तो मैं 145 मार दूंगा। अगर ये मुश्किल से उठा तो भाई दिक्कत होगी।
चीज़ उठाते ही मुझे पता चल गया कि मैं 142 नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि एक रैप भी मुश्किल से लगी। 140 ट्राई करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 140 ही मारा था, तो इसे उठा के फिर देखेंगे कि 142 लगता है नहीं। ये 130 मुश्किल से उठा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं बीच में 2-3 दिन के लिए बीमार हो गया था, तो मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी गिर गई है, इसे वापस लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखते हैं 140 लगता है नहीं लगता। इसके बाद मैंने 145 उठाने की होप छोड़ दी। ये नॉर्मल है, जो वेट आपने पहले उठाया है वो अगली बार नहीं लगता, क्योंकि आप बीच में बीमार हो गए थे। कोई बात नहीं, अगली बार पक्का उठेगा।